हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आरएस कॉन्ग्रेंसी रूल के बारे में। आरएसएस का मीन्स राइट हाइपोटेनियस साइड। इसका स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्राइंगल्स द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये एंगल बी में राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसकी जो सामने की एंगल बी के जो सामने की साइड होगी उसके उसको बोलेंगे इसकी हाइपोटेनियस। तो गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ इक्वल है और ए सी इक्वल टू डी ई एफ। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, प्रोड्यूस डी, इस डी को हम प्रोड्यूस करेंगे जी तक, सच दैट जो जी है किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी ए बी ए बी के बराबर होनी चाहिए। और हम कर लेंगे ज्वाइन जी एफ को, ज्वाइन कर लेंगे जी एफ को, ज्वाइन कर लेंगे। इसमें प्रूफ देखते हैं इसका, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, जो साइड ए बी है इक्वल टू जी ई, ए बी किसके इक्वल है जी ई के, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। ऐसी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, दोनों कितना ईच 90 डिग्री, और साइड बी सी इक्वल टू साइड ई एफ, ये हमको गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, और ए सी को हमने जी एफ के इक्वल ले लिया बाई सी पी सी डी। सी पी सी डी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इनके द्वारा ये क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए। अब हमको बताया ए सी इक्वल टू क्या डी एफ है एंड ए सी इक्वल टू क्या है जी एफ है, तो ये इम्प्लाइज करेगा डी एफ इक्वल टू जी एफ के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जी इक्वल टू एंगल डी। जैसे आप देख रहे हैं इन ट्राइंगल डी जी डी एफ जी में, इन ट्राइंगल डी एफ जी डी एफ जी में इसकी क्या है, टू साइड्स इक्वल हैं, डी एफ इक्वल टू क्या है जी एफ है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी एफ जो है साइड उसका अपोजिट एंगल क्या है, जी है, तो एंगल जी इक्वल टू क्या होगा, और जो एफ जी है उसका अपोजिट एंगल कौन सा, डी है, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। और यहाँ से हमको क्या मिल गया, एंगल ए की वैल्यू एंगल डी के बराबर मिल गई, क्योंकि हमको सिंस को बताया एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल जी के बराबर है, यहाँ से हम लिया था इसको। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, ये हमने प्रूव अब कर लिया है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी क्या होगा एंगल ई के बराबर हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, और बी सी जो साइड है इसकी, बी सी साइड जो है इसके एफ ई साइड के बराबर हो जाएगी, तो ये हमें गिवन था। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई ए एस रूल, एंगल एंगल साइड के रूल के द्वारा दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।